हेलो, गुड इवनिंग। बारिश हो रही है जयपुर में। कितने लोग आ गए? अच्छा, लोग। हेलो प्रतीक्षा, हेलो अदिति, हेलो अभिषेक, हेलो प्रिंस, हरमन। कितने लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत आती है? कितने लोगों को इस टॉपिक में दिक्कत आती है? बिहार में नहीं हो रही बारिश। सही है, बिहार में बारिश होती जब फसल हो जाता है ना, उसके बाद फसल खराब करने के लिए अभी नहीं होगी। हेलो दीपेश, दीपेश स्वामी, आवाज क्लियर है और स्क्रीन दिख रहा है ना अच्छे से? सर करंट सिचुएशन के हिसाब से एनएलयू के सर्वे में क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए एग्जाम कंडक्ट कराने पर? करेंट सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें प्रेफरेंस ऑफलाइन वाला रखना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी तुमने ऑफलाइन करी है और रीडिंग भी बहुत सारा है, तो लैपटॉप पे तुम अंडरलाइन नहीं कर सकते हो। और अगर तुमने अंडरलाइन कर दिया तो लैपटॉप के स्क्रीन पे अंडरलाइन नहीं कर पाओगे, और इतना सारा रीडिंग है तो ऑफलाइन वाला ही भरना। कहाँ से हो तुम? बिग ब्रदर मुंबई से हो क्या? सलमान खान के फार्म से? बिग ब्रदर, 19 पीपल चलो स्टार्ट करें फिर। 20 बच्चे आ गए हैं। देखो जो भी कंसेप्ट है शुरू में ही है। ठीक है, कितने लोगों को टफ लगता है ये टॉपिक? कितने लोगों को ये टॉपिक टफ लगता है? उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के पास में कौन सा एनएलयू पड़ेगा? दिल्ली, वो हम दिल्ली, सोनीपत, सोनीपत, दिल्ली सोनीपत। तो दिल्ली में तो सेंटर क्लैट वाला थोड़ी डाल सकता है। डाल सकता है, लखनऊ भी जा सकता है वैसे तो। चलो स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है? बेसिक्स बता रहा हूँ सबसे पहले। देखो सबसे पहले वेन डायग्राम होता क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है? वेन डायग्राम जो होता है ना, एक स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। देखो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? कोई डेटा है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वेन डायग्राम से, ठीक है? तो इस बच्चा ना एनएलयू शिमला। अच्छा शिमला भी तो पास में पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला कि प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर्स, जैसे प्राइम नंबर्स में क्या क्या आएगा? 1, 2, 3, 5, 7, ठीक है? ठीक है ना, ऐसे करके नंबर्स आएंगे। फिर मैंने बोला कि इवन नंबर्स हैं, तो इवन में क्या क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, ऐसे करके सारे नंबर्स आएंगे, ठीक है? तो मान लो कि ये जो सेट है ना गोला, अब ये गोले से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम किसी भी शेप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गोला इजी होता है इसलिए हम सर्कल चूज किया है, ठीक है? मतलब ये एक सेट है, मतलब एक इसके अंदर जो भी चीजें हैं ना, जैसे मैंने इसमें लिखा कि दिस सेट रिप्रेजेंट्स प्राइम नंबर्स, तो इसके अंदर सारे नंबर्स आएंगे, 2, 3, 5, 7, समझ आ रहा है? जैसे कि ये बना रहा हूँ वापस इधर, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। तो इसमें सारे नंबर्स आएंगे 2, 3, 5, 7, तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। और इधर सेट ऑफ इवन नंबर्स भी होगा, इसमें 0 सब आएगा। तो जब मैं दोनों को साथ में बनाऊंगा ना, तो देखो उन दोनों के बीच में एरिया जो है उसमें 2 आएगा, समझ आ रहा है? क्योंकि वो दोनों में कॉमन है, वो प्राइम भी है और इवन भी है, समझ आ रहा है? तो सेट क्या होता है? बस रिप्रेजेंटेशन है, कलेक्शन है डेटा का, ठीक है? इतना सबको क्लियर होगा?
अनिकर सर्थिसिस फॉर क्लैट ऑल्सो। हाँ श्रेयांश, क्लैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआई में आता तो है वेन डायग्राम, अभी आगे कराऊंगा ना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डीआई के अंदर आते तो हैं, मॉक्स में तुम देखते होगे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, ये तो बेसिक था कि ये हो क्या है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो मैं दो 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 चीजें ले रहा हूँ, ठीक है, मैं परफेक्ट गोला बना देता हूँ यहाँ से, जैसे एक सेट है, ये है दूसरा सेट, सेट ए सेट बी, ठीक है, तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, और ये पूरा यूनिवर्सल डेटा है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है ये, यूनिवर्सल सेट। तो मान लो कि ये क्लास, एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, ठीक है, इसमें मान लो बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं और इधर बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, मतलब इस सर्कल के अंदर जो दूसरा सर्कल है, ये दूसरा बी वाला सर्कल है, इसके अंदर जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और जो इधर वाले हैं वो हिंदी बोलते हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो हिंदी प्लस इंग्लिश बोलते हैं, वो आए इंटरसेक्शन वाले एरिया में, तो ये वाला जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन, इस, समझ आ रहा है, ये क्लियर होगा सबको। ये है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, तो इनमें से कुछ बच्चे होंगे जो कुछ भी नहीं बोलते, ठीक है ना, ना ही इंग्लिश, नो इंग्लिश नो हिंदी, ठीक है, नाइदर इंग्लिश नाइदर हिंदी, ठीक है। तो इस एरिया, जिस एरिया में जो ये ए और बी का जो एरिया है ना, इसके जितने बच्चे हैं वो हिंदी या फिर इंग्लिश बोलते हैं या फिर दोनों बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है ना, जिसको मैंने येलो शेड किया है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मैंने येलो शेड किया उसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए और बी और बोथ, ठीक है, ए और बी और बोथ ऐसे करके होता है, ठीक है। ए यूनियन बी में अगर तुम वैल्यू निकालोगे ए यूनियन बी का, तो उसमें क्या करते हैं, पहले तो ए को जोड़ो फिर बी को जोड़ो, जब तुम ए बी को जोड़ोगे ना, तो जो बीच वाला एरिया है ना, जो बीच वाला एरिया है वो दो बार ऐड हो जाता है, क्यों, क्योंकि तुमने जब जोड़ा तो ये वाला एरिया ऐड हुआ, तुमने जब रेड वाले को जोड़ा तो फिर से ये वाला एरिया ऐड हो गया, मतलब ये वाला एरिया दो बार ऐड हो जा रहा है, तो मुझे इंटरसेक्शन वाला एरिया एक बार घटाना होता है, तो ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए एंड बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी और बोथ। यहां तक क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, टॉपिक सेट्स फ्रॉम 11th क्लास सफिस फॉर दिस टॉपिक। हाँ कृतिका, अगर तुम्हारा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जब तीन, जैसे इसमें ए और बी मैंने लिया ना, जब तीन सेट, तीन डेटा सेट होते हैं ना, तब थोड़ा सा दिक्कत आता है, दो वाले तो इजिली हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है सबको। जब मैंने इसको ऐड किया और जब मैंने इसको ऐड किया, तो बीच वाला एरिया दो बार ऐड हो गया, समझ आ रहा है ना, तो उसको एक बार मुझे घटाना होता है, बस ये ध्यान रखो। तो ये होता है ए यूनियन बी का फॉर्मूला, ठीक है, सबको क्लियर है, ये सबको क्लियर है, यस और नो, चलो अब मैं इसको आगे से मैं तीन सेट वाला बनाता हूँ, तीन सेट वाला थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट है, तीन सेट वाला एडिंग करना, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा सिर्फ पूरे क्लास में, ठीक है। देखो ये पहला सेट है, ठीक है, ये दूसरा सेट है, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर रहे, ये दूसरा सेट है, ठीक है, और ये तीसरा सेट है ब्लू कलर का, ठीक है ना। तो इसमें देखो, अब इसमें पहला सेट मैं ए ले लेता हूँ, दूसरा सेट बी ले लेता हूँ, तीसरा सेट सी ले लेता हूँ, ठीक है। अभी इसमें देखो कितने एरियाज हैं, इसमें देखो सबसे पहले तो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, जो मैं रेड कलर, जिसको मैं रेड कलर का डॉट लगा रहा हूँ ना, जिन एरियाज में मैंने रेड कलर का डॉट लगाया, वो एरिया क्या है, ओनली ओनली ए या ओनली बी या ओनली सी, क्लियर है। जिस एरिया में मैंने ब्लू डॉट लगाया है, ठीक है, जिस एरिया में मैंने ये ब्लू डॉट लगाया है, ये एरिया कौन सा है, ये एरिया है ओनली ए एंड बी, ठीक है, ओनली बी एंड सी, ठीक है, ओनली ए एंड सी, क्लियर है सबको, समझ आ रहा होगा। और जिस एरिया में मैंने ब्लैक डॉट लगाया है बीच में, वो वाला एरिया क्या है, ऑल ए बी एंड सी,
समझ आ रहा है ये सबको समझ आ रहा है, ऑल ए बी एंड सी, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना इसको समझने के लिए, ये एक बार समझ आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? क्लियर होगा मेरे हिसाब से, तो समझ आ रहा है। तो अगर मैं इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालता हूँ, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूंगा, ठीक है, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये जो मैंने डॉट्स बनाए इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, मैंने डॉट्स हटा दिए हैं। चलो, तो मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया मुझे काउंट करना है, इसके अंदर कितने सारे लोग हैं, कितने सारे बच्चे हैं, कितने सारे आइटम्स हैं, कुछ भी, तो ये पूरा एरिया मुझे निकालना है। समझ आ रहा है सबको? ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या होता है, ए और बी और सी, ठीक है, और बोथ ए बी, ये सबका कॉम्बिनेशन होता है ना, बेसिकली ये जो पूरा एरिया है ना इसको एक बार काउंट करेंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी होता है, ठीक है। मतलब ये पूरा जो एरिया है उसको एक बार काउंट करना है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, मुझे ए का वैल्यू गिवन है, मतलब मुझे ये सर्कल गिवन है, ये सर्कल गिवन है और ये सर्कल गिवन है, तो इन तीनों को जब पहले ऐड कर दो, ठीक है, ठीक है ना, इसको मैंने ऐड कर दिया। अभी इसके बाद ये वाला जो एरिया है ना, जब मैंने इसको ऐड किया तो मैं येलो कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जब मैंने तीनों ऐड किया तो ये जो एरिया है जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, और ये जो एरिया है जो वापस मैंने येलो से हाईलाइट किया है, और ये जो एरिया है जो हाईलाइट किया ये से, जो मैंने पूरा एरिया हाईलाइट किया येलो से, ये दो दो बार काउंट हुआ है। समझ आ रहा है क्या? मतलब ये वाला एरिया जो है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, मतलब ये जो एरिया है ये वाला, और उसी तरीके से एरिया है इधर एक, और उसी तरीके से एक एरिया इधर, तो ये सारे एरिया दो दो बार काउंट हुए हैं, क्योंकि वो इस सर्कल में भी है और वो इस सर्कल में भी है। समझ आ रहा है? तो उसको मैं एक एक बार घटाऊंगा, क्योंकि मुझे वन टाइम काउंटिंग करना है बस। समझ आ रहा है सबको? बी यूनियन इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी, इसको मैं एक एक बार घटा दूंगा, ठीक है। अभी यहां तक सबको क्लियर होगा, अब आगे देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, मैं डायग्राम बता के बता रहा हूं तुम्हें। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया मैंने घटाया, ये एरिया मैंने घटाया, ये एरिया मैंने घटा दिया, तो जब तीनों सर्कल ऐड हुआ था ना, जब तीनों सर्कल ऐड किया था, तो ये वाला एरिया तीन बार ऐड हुआ था, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और जब मैंने ये वाला घटाया, मतलब ये वाला जो मैंने पोर्शन घटाया है ना, तो ये पोर्शन तीन बार घट गया, क्योंकि ये इन तीनों में भी था, मतलब ये जो सेंटर पोर्शन है ना, सेंटर पोर्शन जो है ये ऐड ही नहीं हुआ है, तो हम इसको एक बार ऐड करते हैं। तो इस समझ आ रहा है इसका फंडा क्या है, कि हमें पूरा एरिया एक बार काउंट करना है, ठीक है। तो इसमें रिपीटेड एरिया जैसे ये था, दो बार काउंट हुआ था तो एक बार घटा दिया, ठीक है। जब मैंने इसको घटाया, इसको घटाया, इसको घटाया, तो सेंट्रल एरिया तीन बार घट गया, और जब मैंने इसको ऐड किया तो ये तीन बार ऐड हो गया था, यहाँ तीन बार घट गया, मतलब ये ऐड ही नहीं हुआ है, मतलब ये जो एरिया है ना बीच वाला, ये ऐड नहीं हुआ है, तो इसको लास्ट बार मैंने ऐड कर दिया। तो ये होता है ये ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? आप उधर ही चले गए, इधर नेट स्लो चलता है ना, उधर से गए। सबको क्लियर है ना? एक बार ठीक से देख लो इसको, आराम से इसको पचा लो, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। यहां तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट, किसी को डाउट है इसमें? हेलो कनिष्का, रेड हेलमेट। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, सबको क्लियर होगा। तो मैं एक बार फाइनल एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखो, ए अगर दो दो चीजें हैं, ठीक है, तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, और अगर तीन चीजों का है तो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी तो करते ही हैं, ठीक है, माइनस क्या करते हैं, इंटरसेक्शन बी, माइनस करते हैं ए इंटरसेक्शन सी, माइनस करते हैं बी इंटरसेक्शन सी, और ऐड करते हैं तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। इसको तुम लोग लिख लो अच्छे से, रट लो, रटने की जरूरत नहीं, वैसे फील आनी चाहिए, ठीक है ना, फील आनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं।
क्वेश्चन करेंगे अभी हर प्रभजोत सॉरी हरमन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये सबको क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसमें एक डाउट होता है, वो डाउट ध्यान से देख लो, एक डाउट होता है बच्चों का, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद बस ये लास्ट है, इसके बाद क्वेश्चन शुरू करूंगा। ये डाउट ढंग से देखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बच्चों को डाउट होता है। मैंने ये तीन बनाए, ठीक है, तो इसमें देखो मैं ध्यान से बता रहा हूँ, सॉरी ध्यान से सुनो मैं बता, ये जो एरिया है ना, ये एरिया है ओनली ए, ठीक है, ये एरिया है ओनली बी, और ये एरिया है ओनली सी। अब जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, ध्यान से देखना, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो ए इंटरसेक्शन बी में ना ये पूरा एरिया आता है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब होता है कि ए एंड बी, ठीक है, या फिर ए बी सी, तीनों, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, अगर सिर्फ ये लिखा है इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है पिंक वाला एरिया। लेकिन अगर लिखा है ए एंड बी ओनली, तो अगर ए एंड बी ओनली लिखा है ना, तो सिर्फ हम ये वाला लेते हैं, अंदर वाला ऑल वाला नहीं लेते हैं। समझ आ गया? ये डाउट मन में मत रखना, इसको क्लियर कर लो। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है ना, अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो पूरा एरिया आता है, पूरा एरिया आता है। अगर ए एंड बी ओनली लिखा है तो बीच वाला नहीं आता है, ऑल थ्री वाला नहीं आता है। समझ आया सबको? यस दीपक, ये क्लैट के लिए है। दीपक ऐसे क्वेश्चंस केसलेट के अंदर क्लैट में आ सकते हैं, ठीक है। मन्नार समझ आया? सबको समझ आया क्या ये डाउट? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है ना? चलो ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। अगर मैं बोलूं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब क्या होगा? मैं इसको दूसरे पेन से करता हूं, इसको रब कर रहा हूं मैं थोड़ा सा ये, ठीक है। प्लीज रिपीट, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। जैसे स्मिता मुझे बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो मान लो ये सी है, तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब होता है ये पूरा एरिया। बी इंटरसेक्शन सी मतलब होता है बी एंड सी, और बी एंड सी एंड ए ऑल। अगर मैं बोलूं कि बी एंड सी, मतलब बी एंड सी तो है ही, ए भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं बोलूं बी एंड सी ओनली, तो सिर्फ ये वाला एरिया होगा जो रेड वाला मैं कर रहा हूं अभी। अगर मैं बोलूं बी एंड सी ओनली, तो होता है ये वाला। समझ आ रहा है? अगर लिखा है बी इंटरसेक्शन सी, तो ये पूरा एरिया होता है। मैंने बोला था ना, मैं पूरा एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। लेकिन अगर बी एंड सी ओनली लिखा है ना, तो सिर्फ ये वाला होगा, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं होगा, ऑल वाला नहीं होगा। सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। हम आगे चलते हैं। सुंदर सुंदर फूल बन गए हैं स्क्रीन पे, क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ला रहा हूं मैं, ट्राई करो इसको जल्दी से, देखते हैं कौन आंसर देता है। इसको ट्राई करो, ट्राई करो इसको। ट्राई करो, अभी क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो ज्यादा क्लियर होगा। अभी तक नहीं भी क्लियर हो रहा होगा ना, तो अभी मैं यही चीजें बार बार बताऊंगा। और ये क्लैट के लिए, आईपीएम के लिए, बीबीए के लिए, बैंक के लिए, कैट के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सब सब में आता है, ठीक है ना। डायरेक्टली फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं अभी इसको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुझे फॉर्मूला रटवा के कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। फायदा ये होगा कि मेरी क्लास जल्दी खत्म हो जाएगी, मैं थोड़ा ज्यादा सो लूंगा, लेकिन उससे मुझे तुम्हें फायदा नहीं होगा। तो तुम्हें इसका फील आना चाहिए, ठीक है ना, वेन डायग्राम का 1.60। अभिषेक ट्राई टू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर एज वेल, ऐसे में पांच क्वेश्चन है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5 करके लिखो आंसर, ताकि मुझे क्लियर हो कि तुम किसका आंसर लिख रहे हो। अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर दिया करो क्लास के लिए, सबका साथ सबका विकास। चलो मैं कर रहा हूं इसको सॉल्व। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली, 200 बच्चे हैं रैंडमली सेलेक्ट हुए, ठीक है, 140 लाइक टी। अब देखो खुद सोचो इसको, कॉलेज में टोटल बच्चे हैं 200, ठीक है, कॉलेज में टोटल बच्चे हैं 200, ठीक है ना। उसमें कुछ बच्चों को पसंद है ये, एक सेकंड मैं सर्कल ले लेता हूँ, सर्कल ले लेता हूँ,
ठीक है। अभी देखो कॉलेज में टोटल बच्चे हैं 200, तो टोटल बच्चे 200, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो 200 मैंने बाहर लिखा। आर रैंडमली सेलेक्टेड 140 लाइक टी, तो टी में 140 लोग हैं, 120 लाइक कॉफी। अब खुद सोचो 140 इधर 120 इधर, तो 260 बच्चे कैसे हो रहे हैं? क्यों हो रहे 260 बच्चे? क्योंकि कुछ रिपीटेड एरिया के अंदर है, तो तुम्हें फील आ रहा होगा धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ फील आ रहा होगा, ठीक है ना, समझ आ रहा है सबको? रिपीटेड एरिया में है इसलिए टोटल 260 आ रहा है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है अभी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, एंड 80 लाइक बोथ, तो 80 लोग इस सेंट्रल वाले एरिया में, 80 लोग इधर है, ठीक है। तो हमारा सीधे हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो ध्यान से, देखो इधर इधर, ठीक है, 200 लोग बाहर हैं, 200 लोग बाहर हैं। अब ए यूनियन बी पहले निकाल लो। ए यूनियन बी क्यों निकाल रहे हैं हम? ए यूनियन बी हम इसलिए निकाल रहे हैं ना ताकि हमें पता चले कि बाहर कितने लोग हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी कितना होगा? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 180 आएगा, है ना, 180 आएगा, 260। तो मतलब 20 लोग बाहर हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है, मतलब इस एरिया में सिर्फ 180 लोग हैं, समझ आ गया? 180 इधर है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? देखो इधर 80 लोग हैं, तो और टोटल इसमें 180 है, तो इधर 100 होंगे, समझ आ रहा है? सॉरी 180 नहीं है, 140 है, सॉरी 140 है इधर, 140 है इधर, ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। देखो इधर इधर इस एरिया में 80 है, इस टोटल में 140 है, मतलब इधर कितने है? 60 है, ठीक है, इधर कितने होंगे? 60 होंगे, ठीक है ना, इधर 60, इधर 80 है, इस वाले एरिया में 120 है, तो इधर 40 होंगे, समझ आ रहा है? 80 इधर, 40 इधर, इधर 140 है, तो 80 इधर, 60 इधर, तो ओनली टी कितने होंगे? 60। ओनली कॉफी कितने होंगे? 40। नाइदर टी नाइदर कॉफी कितने होंगे? 20, जो बाहर है, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, ये होता है नाइदर, मतलब टोटल 200 बच्चे में से जिनको या तो चाय या तो कॉफी या तो दोनों पसंद है उसको घटा दो, तो वो कितने थे? हमारा 180 आया था, तो 200 में से 20 लोगों को कुछ नहीं पसंद है, तो इसका आंसर है 20। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी, ओनली वन ऑफ टी और कॉफी, मतलब या तो चाय पसंद है या तो कॉफी पसंद है, तो 60 प्लस 40 100, ठीक है। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन मतलब 180, एटलीस्ट वन मतलब ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन, है ना, एटलीस्ट वन मतलब क्या हुआ? या तो ए या तो बी या तो बोथ, तो एटलीस्ट वन मतलब होता है 180, ठीक है, समझ आ गया सबको? बहुत लोगों का आंसर सही था। मन्नार क्या रिपीट करूं मैं, मन्नार क्या रिपीट करूं, पूरा क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? टाइम पे क्लास में नहीं आते हैं तो फिर यही होता है दिक्कत। मैं बता देता हूं वापस एक बार जल्दी से, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। मन्नार क्लियर है क्या? मन्नार क्लियर है? चलो इजी क्वेश्चन था ये, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मन्नार मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी लोग एक मिनट के लिए वेट कर लो, ठीक है। देखो मन्नार इधर टोटल 200 लोग हैं, तुम वीडियो बैक करके देख लेना समझ आ जाएगा, 200 लोग हैं, इधर 140 है, ठीक है, इधर 120 है, और बीच में 80 लोग हैं, तो 80 इधर है तो 40 इधर होगा, 60 इधर होगा, समझ आ गया? तो 60 प्लस 80 प्लस 40, 180 है टोटल इस एरिया में, ए यूनियन बी में 180 लोग हैं, तो बाहर 20 लोग होंगे, तो तुम्हारा सारा आंसर आ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मन्नार वीडियो बैक करके देख लेना, इसका थ्योरी समझ आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब तुम लोग जो पूछ रहे थे ना क्लैट में आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन क्लैट में आते हैं, ठीक है, आते हैं, और बाकी एग्जाम्स में तो आएंगे ही, ठीक है। क्लैट वाले बच्चों को डाउट था ना, उनके लिए बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। 60 वाला मन्नार समझ आ गया होगा तुम्हें, वो डायरेक्ट टोटल लोग अंदर थे 140 लोग चाय पी रहे थे, उसमें से 80 लोग दोनों पी रहे थे, तो 60 लोग जो होंगे ना 80 के अलावा, वो सिर्फ चाय पी रहे होंगे, है ना। अदिति एक बार आकांक्षा को फोन करना, वो क्लास में नहीं है, वैष्णवी भी नहीं है क्लास में।
सॉल्व हुआ किसी का क्वेश्चन? सॉल्व हुआ क्या? किसी का आंसर आया? स्ट्रक्चर तो बन गया, देखते हैं आंसर क्या है इसका। मैं करूं स्टार्ट? चलो मैंने बहुत टाइम दे दिया, ध्यान से देखना ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बच्चों को टफ लगते हैं ठीक है, यही मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। आई डेंट हैव मैथ्स इन क्लास 12, दैट्स वाई। नो प्रॉब्लम मन्नार, आ जाएगा ठीक है। देखो एक तो तुम लोग असली नाम रखा करो, ये असली नाम है क्या? मैजिक तो नाम नहीं होता है वैसे। चलो देखते हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है। किसी से नहीं हुआ ना ये क्वेश्चन, किसी से नहीं हुआ ना, पहले का 485 होगा, देखते हैं। देखो इन अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ ठीक है ना, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे जगह चाहिए होगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, एक सेकेंड। एक मिनट रुक जाओ, जूम आउट नहीं कर सकता। इन अ सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, मतलब कॉलेज में 500 बच्चे हैं ठीक है। तो इट वॉज फाउंड, इट्स माई चैनल नेम, ओके नो प्रॉब्लम। व्हाट्स योर रियल नेम? 500 स्टूडेंट्स है, इट वाज फाउंड दैट 49% लाइक वाचिंग फुटबॉल ठीक है। एक काम करो, 500 स्टूडेंट्स है ना, तो इसको यहीं पे रखो 500 ठीक है। अभी देखो इसको पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से देखना ठीक है, मैं बार बार रब नहीं करूंगा ठीक है ना, ध्यान से देखना। यहाँ पे है 500 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे मैंने बना दिया सर्कल फुटबॉल का, दूसरा सर्कल मैंने बना दिया क्रिकेट का, दूसरा सर्कल मैंने बनाया क्रिकेट का, और तीसरा सर्कल मैंने बनाया तो पहला सर्कल क्या है 49%, तो यहाँ मैं 49 लिखता हूँ ठीक है। यहाँ पे 53% है हॉकी, तो ये हॉकी में 53% है, फुटबॉल में 49% है ठीक है, एंड 62 लाइक बास्केटबॉल, तो इधर मैंने बास्केटबॉल लिख लिया ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सबको? अब धीरे धीरे डायग्राम भरता जाएगा, तो फोकस रखना क्लास के अंदर ठीक है, कुछ और मत सोचना अभी। चलो अब इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो नो वाले एरिया में आएंगे है ना, टोटल 500 बच्चे हैं, तो हो सकता है कि कोई ऐसे बच्चे हो जिसको कुछ ना पसंद हो, तो मैंने टोटल बना दिया ठीक है, 49% ऑफ टोटल। अब देखो यहाँ पे जो बच्चा टोटल निकालेगा, मतलब 49% ऑफ 500 निकाल निकाल के वैल्यू लिखेगा, उसका टाइम हो सकता है वेस्ट हो जाए। जब मुझे सारा डेटा परसेंटेज में दे रखा है ना, तो मैं परसेंटेज के टर्म्स में ही लिखूंगा, लास्ट में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सब यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। मैंने सबका नहीं निकाला है, 500 का 49%, 500 का 53%, ये मैंने अभी नहीं निकाला है। आई विल कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली, एंड जब लास्ट में फाइनल निकालना होगा तब मैं 500 का यूज करूंगा। ये क्लियर है सबको ठीक है? मेरे हिसाब से क्लियर होगा। मैं क्या कर रहा हूँ ना, वैल्यूज छोटी रखने के लिए मैं परसेंटेज वैल्यूज ही ले रहा हूँ, मैं ना 500 को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ ठीक है। चलो हमें निकालना है ऑल द 3 गेम्स, चलो आगे देखते हैं क्या दे रखा है। 62%, 49%, 53%, 27% liked watching football and hockey both. Football and hockey both मतलब F intersection H का वैल्यू दे रखा है 29 ठीक है। उसके बाद तुम्हें और क्या दे रखा है? अब देखो ये तुम ना एग्जाम में सजा के नहीं लिखना, एग्जाम में मैं डायरेक्टली फॉर्मुला लगाऊंगा, एग्जाम में मैं डायरेक्टली फॉर्मुला लगाऊंगा, फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इज इक्वल टू फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल प्लस हॉकी माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल माइनस फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी माइनस बास्केटबॉल या वॉलीबॉल है कि बास्केटबॉल है, हाँ ठीक है, और प्लस में तीनों का इंटरसेक्शन ठीक है, फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। मुझे क्वेश्चन में निकालना क्या है? पहले क्वेश्चन में मुझे ऑल द 3 मतलब मुझे ये निकालना है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा? तो देखो हम वैल्यूज पुट करते हैं, फुटबॉल का वैल्यू कितना है 49%, हॉकी का वैल्यू 53 है, बास्केटबॉल का वैल्यू 62 है। एफ इंटरसेक्शन बी, फुटबॉल और बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन कितना है देखो,
फुटबॉल और हॉकी का दे रखा है 27, 29 है बास्केटबॉल और हॉकी का, मतलब इस एरिया में 29 है, ठीक है, इस एरिया में कितने हैं, इस एरिया में है 27 है इस एरिया में, ठीक है, फुटबॉल और हॉकी इधर 27 है, ठीक है, हॉकी 28 लाइक फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो इधर 28 है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करूंगा मैं -29 -27 -28, ठीक है, और ऐड करूंगा मुझे एक्स जो निकालना है, और इधर टोटल अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, अरे यहाँ मैंने इंटरसेक्शन लिख दिया है, सॉरी, यहाँ यूनियन होगा, ठीक है, यहाँ पे यूनियन होगा, ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे मुझे निकालना है, अब मुझे ये नहीं पता, ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है 5% लाइक्ड वॉचिंग नन, मतलब 5% लोग बाहर है, मतलब अंदर 95% लोग ही है, समझ आ रहा है, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर, मतलब एफ यूनियन एच यूनियन बास्केटबॉल के अंदर सिर्फ 95% लोग हैं, समझ आया, क्योंकि 5% को कुछ नहीं पसंद है, यहां तक सबको क्लियर होगा, यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है ना, तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, देखो इसको ऐड करो, 49 प्लस 53 प्लस 62 कितना होगा, 60 प्लस 40 100 150 155 164, ठीक है ना, ठीक है 164, और ये कितना होगा, ये 84 होगा, प्लस x इज इक्वल्स टू 95, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, चेक निकाल लो, 164 माइनस 80 कितना होता है, 80 होता है, तो 15% आ रहा है, मतलब x की वैल्यू 15% आ गई, तो नन ऑफ द गेम्स कितना होगा, 15% ऑफ 500, मतलब 75, मतलब पहले का आंसर क्या है, 75, क्लियर है सबको, यस और नो, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से, चलो 15% आ गया, अच्छा क्वेश्चन नहीं था वैसे, ये इजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें फॉर्मूला में वैल्यू डालना है, फॉर्मूला पता है, ये 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 निकालना है, सिंपल सा एडिशन है, ठीक है, बस फॉर्मूला गलत मत डाल देना, सबको क्लियर है, चलो मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले मैं देख लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ डेटा यूजफुल तो नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वॉचिंग ओनली फुटबॉल टू दोज हु लाइक वॉचिंग ओनली हॉकी, मतलब इस एरिया और इस एरिया का मुझे रेशियो निकालना है, ठीक है, तो इसको बताने के लिए मैं दोबारा से ग्राफ बनाता हूं, यहां तक सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से, लास्ट लाइन रिपीट कर दो, अब मुझे नहीं पता लास्ट लाइन क्या है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा 15 सेकंड का सिंक का गड़बड़ होता है जूम और यूट्यूब का, सबको क्लियर होगा, आगे समझ आ जाएगा बार बार, अच्छा जो लोग रिपीट करने बोलते हो बैक जाके देख लो ना, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं वापस से डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, सुंदर सा, तीन तीन कलर यूज नहीं करूंगा मैं वैसे, यहाँ पे एक हो गया फुटबॉल हॉकी और बास्केटबॉल, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5% तो बाहर है, इधर कितना था, इधर था 49 फुटबॉल में, हॉकी में कितना था 53, 62 किस में था, बास्केटबॉल में, ठीक है, बास्केटबॉल हॉकी, और इधर कितना था 29 था, 27 था, इधर कितना था 29 था, इधर कितना था 28 था, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, और यहां मेरा निकल गया है 5%, नहीं 15% आया था ना, 15% आया था, तो इसके अंदर 15% लोग हैं, यहां तक क्लियर है सबको, यस और नो, ठीक है, हेलो अमन लेट हो गया सर, कोई बात नहीं बैक जाके देख लेना, देखो अब मेरा नया वैल्यू आ गया यहाँ पे 15, अब ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे निकालना क्या है, सेकंड पहला क्वेश्चन आ चुका है, 15 आंसर है इसका, दूसरे क्वेश्चन में मुझे रेशियो निकालना है हॉकी ओनली फुटबॉल, ओनली फुटबॉल मतलब ये एरिया, और ओनली हॉकी मतलब ये एरिया, मुझे ए अपॉन बी निकालना है, अब ध्यान से फुटबॉल वाले सर्कल पे फोकस करो, फुटबॉल वाले सर्कल में 49% लोग हैं, जिसमें से कि 27 इधर है, 15 इधर है, ठीक है, और 28 इधर है, समझ आ रहा है क्या, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, अगर मैं इन तीनों को घटा दूं, एक सेकंड, समझ आ रहा है क्या, ठीक है, 27, अब ध्यान से देखना, ठीक है, 27 जो है ना, मैं येलो कलर यूज करूंगा, येलो कलर यूज करूंगा, ध्यान से देखना, 27 इस एरिया में है जो येलो कलर से है, ठीक है, इसको मुझे वापस से बनाने दो, थोड़ा अच्छा सा समझाना है मुझे इसको, ठीक है, मैं इसको बड़ा सा सर्कल बनाता हूँ फुटबॉल वाले के लिए, ठीक है ना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़ा सा पेन का एडजस्ट कर रहा हूँ,
ठीक है, देखो ये फुटबॉल है, इधर 49% लोग हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है, ये एरिया है एक सर्कल के अंदर और एक ये वाला एरिया है, ठीक है, समझ आ रहा है सबको। देखो इसमें 27 लोग हैं, 27 में से 15 इधर है, तो इधर 12 होंगे, इधर टोटल 28 लोग हैं, तो 15 इधर है तो 13 इधर होंगे, समझ आ रहा है सबको, सबको समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है क्या? तो मुझे ये निकालना है, तो दिस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल्स प्लस दिस इज इक्वल्स टू 49, तो ये कितना आ जाएगा, 49 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 13, समझ आ गया सबको कैसे किया मैंने। 27% लोग थे इसमें, मतलब ए फुटबॉल एंड हॉकी एंड ऑल, तो ये वाला मैंने घटा दिया तो ये आ गया, उसी तरह का इधर 13 आ गया और टोटल इधर 49 है, तो ये आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया डायग्राम? रचित हेलो, सबको क्लियर हो गया, सबको क्लियर है बोलो। चलो तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ पे, 49 12 15 होता है 27 और 13 होता है 40, तो 9% लोग हैं, 9% ऑफ 500 कितना हो जाएगा इधर 9%। अच्छा ये तो फुटबॉल का आ गया, अभी तो फुटबॉल का आया है, ठीक है, तो फुटबॉल में कितने लोग हैं, 9% लोग हैं, ठीक है। और अब हॉकी का इसी तरीके से निकाल लो, अब देखो हॉकी में कितने होंगे, 27 इधर है तो इधर 12 होगा, इधर 29 है इधर 14 होगा, मतलब 53 माइनस 12 माइनस 15 माइनस 14, ये होगा हॉकी में, तो कितना होता है, 12 और 15 होता है 27 और 14 होता है 41, तो ये 9/12 आ रहा है, समझ आया क्या? 9/12 कितना होगा, 3/4, समझ आया सबको? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था प्रिंस, तुमने 53/49 क्यों लिखा है, तुझसे अगर बोलता यहाँ पे ओनली वर्ड नहीं होता, सिर्फ फुटबॉल होता और हॉकी होता, तब 49/53 होता, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में क्यों पूछेंगे, डायरेक्टली दे रखा है, तुमसे ओनली हॉकी और ओनली फुटबॉल का पूछा है, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को वापस बैक जाके देखना आराम से इत्मीनान से। सबको समझ आ गया, किसी को डाउट है? अच्छा लगा, समझ आ गया सबको, डायग्राम से मैंने समझाया है क्लियरली, सबको समझ आ गया, ये जूम पे रंग बिरंगे पेन का यही फायदा है, ठीक है। अब प्रिंस तुझे समझ आया, इसका आंसर 3:4 है, अब कैलकुलेशन मिस्टेक एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। अच्छा तुम लोग बताओ, अब मैंने समझा दिया ना, अब तुम लोग मुझे बताओ, इसी क्वेश्चन में मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ हॉकी और बास्केटबॉल, इसका रेशियो मुझे बताओ कितना होगा, इसी क्वेश्चन में मैंने मॉडिफाई किया है हॉकी और बास्केटबॉल का रेशियो, बताओ तुम लोग जल्दी से बताओ, हॉकी और बास्केटबॉल का रेशियो बताना है, सॉल्व करो, ओनली हॉकी और ओनली बास्केटबॉल का, अच्छा तो नहीं लगा पर समझ आ गया। कनिष्का अगर अच्छा नहीं लगा ना तो तुमने गाना सुना है, दुनिया में हम आए हैं तो सुना है ना, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ तो भी नहीं गा पाऊंगा, तो जीवन है जहर तो पीना ही पड़ेगा, सुना है ना तुमने, तो पीना पड़ेगा इसको अगर, क्योंकि ये इजिएस्ट क्वेश्चन है डीआई का, तुम्हारे एग्जाम में जो डीआई आएगा ना उसका वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम, तो इस क्वेश्चन को अगर तुम छोड़ते हो तो 5 नंबर का अपना घाटा करोगे, ठीक है। इसका आंसर तो जो मैंने अभी पूछा है, चलो किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, 500 स्टूडेंट्स, फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक बार और, मौका दे रहा हूँ समझने का, ठीक है, बार बार मौका नहीं मिलता है जिंदगी में, लेकिन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। देखो तुमसे बास्केटबॉल और हॉकी का निकालना है, तो यहाँ पे कितने लोग थे, यहाँ पे 27 लोग हैं, यहाँ पे इस एरिया में 29 लोग हैं, ठीक है, और इस एरिया में 28 लोग हैं, ठीक है ना, तो ये बास्केटबॉल है क्रिकेट नहीं है। तो देखो इधर 15 लोग थे सेंटर में, तो इधर कितने लोग होंगे 14, इधर कितने लोग होंगे, सॉरी इधर होंगे 12, इधर होंगे 14 और इधर कितने होंगे 13, ठीक है। तो हॉकी में टोटल लोग हैं, हॉकी में टोटल लोग हैं 53, इधर 62, तो 53 में से 12 घटाओगे 14 घटाओगे और इधर पे होंगे 15, नहीं इधर 14 और 15, ठीक है, और इधर घटाओगे 62 में से इधर 13 है, इधर 15 है और इधर 14 है, तो ये घटाओगे, ये इसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ ये होगा 12 प्लस 14 होता है 26 और 15
ये हम पहले वैसे हमने ये निकाल रखा था अभी 31 तो 45 तो 12 आएगा, नीचे देखो 13 15 28 और 14 42 तो 20 आएगा, तो 12 अपॉन 20 किसी का आया है क्या? 12 अपॉन 20 3 बाई 5 ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ठीक है ना। ठीक है गरिमा तुम्हारा भी सही है, 6 बाई 10 3 बाई 5 एक ही बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक वॉचिंग ओनली वन ऑफ द थ्री गिवन गेम्स, ओनली वन ऑफ द थ्री, ओनली वन ऑफ द थ्री मैंने डाला था ठीक है, ओनली वन ऑफ द थ्री। देखो इधर 15 लोग थे, इधर 12 लोग थे, इधर 14 लोग थे, इधर 13 लोग थे, इधर कितना आया था, इधर कितना आया था क्रिक, इधर तो आया है इधर आया था भूल गया मैं, कितना आया था इधर, अभी निकाल लेते हैं ना वापस, 3/5 था ना, ऊपर क्या था 62 53 में से कितना घटाया था, 53 में से 12 15 14 तो 14 + 15 29 + 30 इधर 12 आया था है ना, और इधर 20 आया था, और इधर कितना आया था 3:4 था ना, तो इधर 9 आया था, समझ आया सबको ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, हु लाइक वॉचिंग ओनली वन ऑफ द थ्री, ओनली वन मतलब ये और ये जोड़ लो इसको, तो 9 + 12 = 21 और 20 = 41 इसका आंसर है, समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है ठीक है ना, टफ नहीं है ये, क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर हु लाइक वॉचिंग एटलीस्ट टू मतलब ये और ये है ना, ये तीनों नहीं लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 + 13 + 14 + 15 तो इसका आंसर क्या होगा 54 ठीक है, सबको समझ आ गया, अच्छा क्वेश्चन था 205। अच्छा एक और चीज देखो, हाँ यहाँ पे 41 जो है ना 41% है, तो 500 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई भी करना ठीक है, तो 205 आंसर आएगा, इधर भी 54 क्या है परसेंट है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना तो आंसर क्या आएगा 270। क्लियर है सबको, समझ आ गया, ये 41 मैंने परसेंटेज के टर्म्स में सॉल्व किया है ना, टोटल 500 था तो इनटू 5 भी करना है। देखो इसमें एक चीज मैं बताता हूँ, बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं ना, वो सारा परसेंटेज निकालने लगते हैं, 62 of 500, 72 of 500, 49 of 500, तो वो टाइम वेस्ट होता है। मैंने परसेंटेज के टर्म्स में सॉल्व कर लिया और लास्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बहुत सारे कैलकुलेशन मैंने रिड्यूस कर लिए ठीक है, सबको क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, इस क्वेश्चन को वापस ट्राई कर लेना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ये क्वेश्चन ट्राई करो, अमन लेट आओगे तो यही होगा, मैं क्या करूं, मैं तो टाइम दे दिया था, संडे को शेड्यूल भेज दिया था और सुबह भी एक बार नोटिफाई कर देता हूं, अब मैं घर पे भिजवाऊं क्या किसी को तुझे बताने के लिए कि क्लास है, हेलो ये क्वेश्चन करो सब लोग, देखो इस क्लास के बाद तुम्हारा वेन डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए और कैलकुलेशन कैसे रिड्यूस करते हैं ये भी सीखना है तुम्हें ठीक है ना, कैलकुलेशन रिड्यूस करना भी सीखना आना चाहिए तुम्हें। प्रथम का आंसर आ गया है, देखते हैं सही है कि गलत है,
चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत टाइम दे दिया। चार पांच बच्चों का आंसर आया तो है, लेकिन सबका अलग अलग आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस, सिक्स पर्सन कैन स्पीक तमिल, 15 हिंदी एंड 6 गुजराती। मतलब तीन लोगों का वेन डायग्राम है ये, तो मैं तीन गोले पहले बना लेता हूँ। अरे ये कैसा गोला है। ठीक है चलो, बहुत सारे लोगों का आंसर 24 आ रहा है। इधर कितने लोग हैं? सिक्स तमिल, तमिल सिक्स, 15 हिंदी, 15 हिंदी। ठीक है देखो, स्पीक हिंदी लिखा होता है ना, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी या हिंदी ओनली, हिंदी तमिल, हिंदी तमिल एंड गुजरात, हिंदी गुजराती या ऑल। तो सिर्फ हिंदी लिखा है ना, स्पीक हिंदी, तो इसके अंदर पूरा एरिया आता है। अगर ओनली हिंदी लिखा होता तो सिर्फ ये एरिया आता है, तो ध्यान रखा करो इस चीज का। इधर गुजराती, सिक्स गुजराती। इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, मतलब बाहर में जीरो लोग हैं, मतलब सारे लोग यूनिवर्सल सेट जो बनाता हो ना, तो बाहर में एक भी आदमी नहीं है, तो सारे लोग अंदर ही है। समझ आ रहा है? मतलब सारे लोग इन्हीं में से हैं, एक्स्ट्रा कोई ऐसा नहीं है जो कोई कुछ नहीं बोलता। ठीक है, इसका इस लाइन का मतलब ये हुआ कि बाहर जीरो आदमी। इफ टू पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, अच्छा दो लोग जो है वो दो लैंग्वेज बोल पाएंगे। ठीक है, एंड वन पर्सन कैन स्पीक ऑल द थ्री लैंग्वेजेस, मतलब एक बंदा इधर है ऑल द थ्री में। ठीक है, एंड देर आर टू पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, मतलब इस तीनों एरिया को जोड़ के दो लोग हैं। समझ आ रहा है? इस तीनों एरिया को जोड़ के दो लोग हैं। समझ आ रहा है क्या? ये तीनों एरिया को जोड़ के ही दो लोग हैं, मतलब ए ए इंटर, मतलब ए टी एच है ना, तो एक इसको कैसे निकालेंगे, टी यूनियन एच यूनियन गुजराती इज इक्वल टू तमिल प्लस गुजराती प्लस हिंदी माइनस तमिल हिंदी, तमिल गुजराती, हिंदी गुजराती और प्लस ऑल, तमिल इंटरसेक्शन गुजराती इंटरसेक्शन हिंदी। तो ये तो एक है, ये तो वन है ना, और इन तीनों का सम टू है। समझ आ रहा है क्या? क्योंकि यही दे रखा है ना, क्या दे रखा है कि टू पर्संस कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, मतलब टू लैंग्वेजेस मतलब ये तो टू, और ये कितना है, 6, 15 और 6, तो ये निकल जाएगा। देखो 15, 6, 21 और 6, 27 माइनस 2 प्लस 1, तो इस हिसाब से आंसर कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ 15 प्लस 6, 21 और 6, 27, 2 पर्सन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस एंड 1 पर्सन कैन स्पीक ऑल द थ्री लैंग्वेजेस, 22। इसका आंसर तो 26 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है, इफ टू पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस। तुम लोगों का आंसर क्या है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? तुम लोगों ने कैसे किया है? क्वेश्चन में मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है क्या यहाँ पे? तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है इसमें? ऐसा डे नहीं, 23 कैसे आएगा? एक सेकंड रुक जाओ, मैंने इसमें कुछ गलती तो नहीं करी है? तो मुझे क्वेश्चन चेक कर लेने दो एक बार कि क्वेश्चन मैंने सही टाइप किया है कि नहीं किया है। इफ टू पर्सन कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस एंड वन पर्सन कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस, ठीक है। सिक्स पर्सन कैन स्पीक तमिल, तमिल इधर सिक्स लोग हैं, 15 कैन स्पीक हिंदी, 6 कैन स्पीक गुजराती, इन दैट ग्रुप नन कैन स्पीक एनी अदर लैंग्वेज, इफ टू पर्सन स्पीक टू लैंग्वेजेस। टू पर्सन कैन स्पीक लैंग्वेज हिंदी गुजराती,
हिंदी, तमिल और तमिल गुजराती में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? ट्वेंटी सिक्स आना चाहिए वैसे। इसमें क्वेश्चन के लैंग्वेज में कुछ टू क्यों सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, इफ टू पर्सन इन द ग्रुप कैन स्पीक टू लैंग्वेजेस, तो ये लैंग्वेज में कुछ कॉम्प्लेक्स सा लिखा हुआ है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये टू पर्सन इधर आने चाहिए, तो 26 आंसर आना चाहिए। इसको मैं दूसरे अप्रोच से एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। अगर टोटल 6 लोग बोल रहे हैं तमिल और 15 लोग बोल रहे हैं हिंदी और 6 लोग बोल रहे हैं गुजराती, तो इसमें से अगर तमिल वाले लोगों में से मैं 2 लोग हटाता हूँ जो दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं और एक आदमी हटाता हूँ जो तीनों लैंग्वेज बोल रहा है, तो इधर 3 लोग आते हैं जो सिर्फ तमिल बोलते हैं, ठीक है? इधर -2, इधर -1 करूँगा तो आएगा 12, और इधर करूँगा तो आएगा 3, 18। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे तो 26 ही लग रहा है, ऑप्शन में नहीं है। इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। इस लैंग्वेज में कुछ दिक्कत है, ठीक है? तो एक बार मैं चेक कर लूंगा कि मैंने टाइपिंग में तो मिस्टेक नहीं किया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लैंग्वेज में कुछ दिक्कत है, चलो। हाँ, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है वेन डायग्राम में, जो कि बहुत ईजी होता है, जो एक बार आया भी था पेपर में, सैम्पल पेपर में आया था। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, तब तक मैं पिछला क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ, पिछले क्वेश्चन का बोनस, उसके लैंग्वेज में कुछ, मतलब एक बार मैं देख लेता हूँ। मुझे किसी बच्चे ने भेजा था, मैं तो बच्चों के क्वेश्चन डाल देता हूँ इसमें पीडीएफ में। इसको ट्राई करो। देखो, ये क्वेश्चन जो होता है ना, अभी सैंपल पेपर में आया था तुम्हारे, ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा? इसने दिया क्या आंसर? देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, इसका मैं सॉल्व करके बताता हूँ। सॉल्व इसमें नहीं करना है, इसमें विजुअलाइजेशन का खेल होता है पूरा। देखो, इसमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल शोज चिल्ड्रन, मतलब इसमें चिल्ड्रन है, इसमें रूरल पॉपुलेशन है, इसमें स्कूल गोइंग है, इसमें बॉयज है। मैंने पहले बताया था ना कि सेट किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सर्कल, ट्राइंगल, किसी से भी। हम सर्कल क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये जल्दी बनाना कन्वीनियंट होता है, ठीक है ना? ट्राइंगल ट्राइंगल ओवरलैप कराओगे तो दिक्कत आती है, तो हम सर्कल इसलिए बनाते हैं। बनाना हम किसी भी शेप से बना सकते हैं, ठीक है? तो विलेज बॉयज नॉट गोइंग टू स्कूल आर डिनोटेड बाय विच नंबर? विलेज बॉयज नॉट गोइंग टू स्कूल, तो देखो विलेज बॉयज मतलब, सबसे पहले देखो विलेज बॉयज कौन से हैं। विलेज मतलब हो गया रूरल पॉपुलेशन, नॉट गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल गोइंग ये है ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला एरिया देखो, ठीक है? ग्रीन वाला एरिया देखो तो ये हटाना है हमें, ठीक है? नॉट गोइंग टू स्कूल है मतलब ग्रीन एरिया में नहीं आना चाहिए, तो 4, 3, 5, 7 तो नहीं आएगा, ठीक है? विलेज बॉयज मतलब, इसका आंसर क्या किया तुमने, नॉट गोइंग टू स्कूल। बॉयज वाला एरिया कौन सा है, रेड वाला, मतलब हमें 2 और 8 मेरे पास बचा है, ठीक है? और विलेज बॉय है मतलब रूरल के अंदर आना चाहिए, मतलब ब्लू के अंदर आना चाहिए, तो ब्लू के अंदर 2 और 8 दोनों आ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। समझ आया सबको? भावेश, 8 भी तो है अंदर ही, 8 भी तो अंदर है। देखो 8, 8 देखो, 8 ग्रीन के बाहर है, 2 भी ग्रीन के बाहर है, 8 और 2 दोनों ब्लू के अंदर है, और बॉयज ठीक है, और बॉयज पूछा है तो रेड के अंदर भी है, तो दिक्कत क्या है इसमें, 2 और 8 दोनों होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाले बस, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, इसमें बस ऑब्जर्वेशन से आंसर देना होता है, ठीक है? इसका आंसर बताओ, नेक्स्ट का आंसर बताओ।
लास्ट क्वेश्चन में कुछ तो लोचा था 26। नेक्स्ट का आंसर मैं बताता हूँ, सिंपल है, लोगों ने आंसर दे भी दिया है। देखो इन द फॉलोइंग डायग्राम चिल्ड्रन, अच्छा ये तो हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं, विलेज चिल्ड्रन, विलेज चिल्ड्रन मतलब ब्लू वाले के अंदर आना चाहिए, मतलब 2, 3, 5, 8, 6। उसके बाद नॉट गोइंग टू स्कूल, नॉट गोइंग टू स्कूल मतलब 3 और 5 तो कट गया, ठीक है, आर डिनोटेड। अब चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब इसके अंदर भी आना चाहिए, तो इसके अंदर भी आना चाहिए मतलब 2 और 6। समझ आ रहा है कैसे करते हैं इसको, बस देख के हो जाता है ये, ठीक है ना, देख के हो जाता है, 2 और 6 आ गया, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन होता है ये वाला, ठीक है ना, तुम्हारे पेपर में आया था अभी, याद होगा सैम्पल पेपर 1 में आया था ऐसा ही कुछ, लीफ था उसमें, लीफ वीफ दे रखा था। ये देखो रिप्रेजेंटेड, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4, बताओ क्या होगा, ऑप्शन देख के बताओ। अच्छा इस क्वेश्चन के बाद वापस वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन है 2, ठीक है ना, तो अभी क्लास मत छोड़ना, अभी 2 क्वेश्चन ये मैंने बीच में डाल दिया था, ठीक है, इसके बाद वापस 2 क्वेश्चन आएंगे वेन डायग्राम के फॉर्मूले वाले। इसका आंसर आ गया होगा 4, मतलब 4 मतलब यहाँ पे, तो 4 मतलब पहली बात तो चिल्ड्रन है, 4 मतलब ग्रीन वाले में तो स्कूल गोइंग है, 4 रेड के अंदर है तो बॉयज भी है, 4 रूरल के बाहर है तो रूरल नहीं है, तो विलेज वाला तो चिल्ड्रन हुआ नॉट फ्रॉम विलेज, तो ये हो सकता है चिल्ड्रन हुआ बॉयज, ये भी हो सकता है स्कूल गोइंग बॉयज हुआ नॉट फ्रॉम विलेज। अच्छा ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट लग रहा है, स्कूल गोइंग है, हाँ है, बॉय है, बॉय मतलब रेड के अंदर है, हाँ है, नॉट फ्रॉम विलेज, तो ये भी है। समझ आ रहा है इसका आंसर क्या किया तुम लोगों ने, इसका आंसर क्या किया है सबने, डी, ठीक है ना, इसका आंसर भी डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन होता है ये, ठीक है ना, ये कॉन्फिडेंस बूस्टर क्वेश्चन है एक तरीके से, ये वाला करो, ये लास्ट है इसमें, फिर दूसरा सेट आ जाएगा एक और। चलो बट सी भी तो हो सकता है अदिति, सी हो सकता है, लेकिन सी में एक्यूरेट मतलब ज्यादा एक्यूरेट है डी वाला, ठीक है, तो ज्यादा क्लोज जो है ना उसमें और ज्यादा स्पेसिफाई कर रखा है, होने को तो हो सकता है, ठीक है। स्कूल गोइंग बॉयज फ्रॉम विलेज आर डिनोटेड बाय विच नंबर, स्कूल गोइंग मतलब, स्कूल गोइंग मतलब ग्रीन के अंदर आएंगे, तो ग्रीन के अंदर आएंगे तो इसको घेर लो ग्रीन के अंदर वालों को, ठीक है। उसके बाद देखो फ्रॉम विलेज, विलेज मतलब ब्लू के अंदर भी आना चाहिए, तो 4 और 7 चला गया, बस 3 और 5 बचा है, ठीक है। स्कूल गोइंग बॉयज फ्रॉम विलेज, तो स्कूल गोइंग बॉयज फ्रॉम विलेज मतलब 3 और 5 है ना, तो बी ऑप्शन सबका आ गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और हितराम कैसा है, सर सी नहीं हो सकता, उसमें स्कूल गोइंग की बात नहीं हो रही, अब मैंने पीछे पलट के नहीं देखा है, तो डी ही आंसर है उसका वैसे भी, अब मैं पीछे नहीं जा रहा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस करते हैं, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, फोकट के नंबर होते हैं ऐसा समझो। चलो इसका आंसर क्या होगा, नंबर्स शोइंग विलेजर, विलेजर तो सबसे पहले विलेजर देख लो, विलेजर मतलब कौन सा एरिया है, सर्कल शोज विलेज पीपल, तो ये विलेज है, मतलब ये सारे तो कट गए, ठीक है, ये सारे कट गए। लिटरेट,
लिटरेट मतलब कौन सा है, लिटरेट मतलब, तो यहाँ पे लिटरेट बना दो, ट्राइंगल है लिटरेट, ठीक है, लिटरेट ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर भी आना चाहिए, तो सिर्फ 15 और 12 बचे हैं, ठीक है ना, और मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ 12 दिख रहा है। हु इज हार्ड वर्किंग बट नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं है मतलब रेक्टेंगल के बाहर होना चाहिए, तो 12 बाहर भी है। वैसे मुझे आंसर पता चल चुका है, पर मैं देख लेता हूँ एक बार, सबने ए किया है ना, ए किया है, ठीक है। शालिनी तुमने बी किया है, बी 13 तो नहीं होगा, 13 पहले एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है ना। हु इज हार्ड वर्किंग बट नॉट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब रेक्टेंगल, ठीक है, हार्ड वर्किंग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है 12, हाँ तो 12 आंसर है इसका, ठीक है, ए आंसर है। बी कैसे आ रहा है कृतिका, बी मतलब 13, 13 कैसे आ सकता है, एक सेकेंड, विलेजर है 13 है, रेक्टेंगल ऑनेस्ट पीपल का है, और ये ऑनेस्ट के अंदर, अच्छा एक सेकेंड, स्क्वायर के अंदर आ रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब क्या है, लिटरेट, देखो लिटरेट पर्सन मतलब ट्राइंगल के अंदर आना चाहिए, ये ट्राइंगल के बाहर है 13, तो 13 नहीं हो सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ए है, बी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ नंबर शोइंग विलेजर्स लिटरेट हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, बताओ इसका आंसर, किसी एक से स्टार्ट कर दो और एलिमिनेट करते चलो सबको, ऐसे करते हैं जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर भी आ गया होगा, विलेजर्स, देखो विलेजर्स मतलब सबसे पहले विलेजर मतलब सर्कल, तो सर्कल के अंदर होना चाहिए, सर्कल के अंदर होना चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन से जल्दी हो जाता है। लिटरेट, लिटरेट मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर आना चाहिए, तो ट्राइंगल के बाहर की चीजों को एलिमिनेट कर दो, तो वापस 12 और 15 बचा है। हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, तो हार्ड वर्किंग मतलब देखो, हार्ड वर्किंग मतलब स्क्वायर के अंदर आना चाहिए, तो 12 और 15 दोनों स्क्वायर के अंदर है। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए, तो 15 रेक्टेंगल के अंदर है, 12 नहीं है, तो 15 इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है माधवी, आंसर गलत है, डी होगा, ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, एलिमिनेशन से करो, ठीक है, जो जो उस एरिया में नहीं है उसको हटाते चलो, तो आंसर जल्दी आ जाता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो इसको, ठीक है, इसका भी आ गया होगा, नंबर शोइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सब, देखो सबसे तक तरीका क्या होता है, रेक्टेंगल में देखो ऑनेस्ट है, तो रेक्टेंगल के अंदर आना चाहिए, तो ये सारे कैंसिल हो गए, बाहर वाले कैंसिल हो गए। विलेजर्स, विलेजर्स मतलब सर्कल के अंदर आना चाहिए, तो सर्कल के अंदर आना चाहिए, तो सर्कल के अंदर कौन कौन सा है, 11 नहीं है और 8 नहीं है, हट गया। 15 14 में से कुछ आंसर होगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो मैंने ऐसे टिक मार दिया, लेकिन आगे निकाल लेता हूँ। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग मतलब स्क्वायर के अंदर आना चाहिए, तो 15 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ट्राइंगल का कुछ दे रखा है कि ट्राइंगल मतलब लिटरेट था, तो लिटरेट के बारे में बात नहीं हो रही है। अब 15 ऑप्शन में है नहीं, तो फिर 14 पे टिक मारेंगे, समझ आया क्या, सबको आ गया होगा, आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसको ट्राई करो। चलो ये भी हो गया होगा, नंबर स्विंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब फिर से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब ये सारे कट गए बाहर वाले। विलेजर्स मतलब सर्कल के अंदर आना चाहिए, तो ये कट गया और ये कट गया, वापस सेम क्वेश्चन है क्या, सॉरी सेम क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीट कर दिया मैंने। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको ट्राई करो। प्रिंस तू क्लास में है क्या, प्रिंस तेरा वाला क्वेश्चन है ये, मैं जो ये क्लासेस लेता हूँ ना, जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉन बोल्स हैं स्टूडेंट्स हैं, उनको जो डाउट आता है तो मैं उसके लिए क्लास रख देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिनके कोचिंग में क्लासेस नहीं हो रही हैं, तो अब मैं उनका दुख दर्द समझता हूँ, तो मैं क्लास ले लेता हूँ, उनके डाउट से मैं PDF बनाता हूँ। तो लास्ट क्वेश्चन जो 26 23 वाला था ना, उसमें मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, तो मैं एक बार उसको चेक करूंगा। वैष्णवी क्लास में हो क्या, नंदिनी भी, यश नाम से कोई आंसर तो नहीं आ रहा,
हुआ, किसी का आंसर आया क्या इसका? चलो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको. और आउट ऑफ 160 रेस्पोंडेंट्स, ऑल ऑफ होम सब्सक्राइब एटलीस्ट वन ऑफ आउटलुक, फिल्मफेयर एंड फेमिना. इस लाइन का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि मैंने बताया था ना यूनिवर्सल सेट होता है एक, तो एक अंदर ऐसे 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 करके वेन डायग्राम होता है, तो एटलीस्ट वन मतलब बाहर कोई भी नहीं है, सबने कुछ ना कुछ ले रखा है. तो एटलीस्ट वन मतलब क्या होता है, ये यूजफुल होता है. ये एटलीस्ट का यूज़ क्या है मैं बता रहा हूँ. एटलीस्ट अगर लिखा है ना मतलब कि नन वाले में कोई भी नहीं है. ठीक है, आगे देखते हैं. 80 सब्सक्राइब आउटलुक, तो आउटलुक में मैं 80 लिख लेता हूँ. ठीक है, आउटलुक में मैं 80 लिख लेता हूँ. 100 में फिल्मफेयर में 100 लिख लेता हूँ. 60 फेमिना में मैं लिख लेता हूँ. फर्दर 30 सब्सक्राइब आउटलुक एंड फिल्मफेयर. अब यहाँ पे आउटलुक एंड फिल्मफेयर ओनली नहीं लिख रखा है, मतलब ये पूरा इस एरिया में आउटलुक फिल्मफेयर मतलब इस पूरा एरिया में है. ठीक है, 30 लोग, मतलब ये तीसरा भी कर सकते हैं सब्सक्राइब. 40 है फिल्म फेयर और फेमिना में. अच्छा मैं फिल्म लिख लेता हूँ या फेमिना लिख लेता हूँ, नहीं तो डाउट आ जाएगा. 20 है इधर, वापस डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा. टोटल 160 है और सारे के सारे यूनियन के अंदर है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगा लेंगे? 160 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 100 प्लस 60. ये लिखने की जरूरत नहीं है, मन में कैलकुलेशन कर सकते हो. तो ये कितना आएगा? 240 माइनस 30 प्लस 40 प्लस 20, तो कितना होता है? 90. और प्लस ऑल है ना, ऑल मतलब फेमिना इंटरसेक्शन फिल्म फेयर इंटरसेक्शन आउटलुक, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा? 160 और इधर माइनस 150, तो 10 आ जाएगा. समझ आया सबको? 10 आ गया इसका, डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसके नीचे वाला क्वेश्चन जल्दी कर लोगे, कर लिया होगा बहुत लोगों ने. हु सब्सक्राइब एग्जैक्टली टू, एग्जैक्टली टू के लिए मुझे वापस बनाना पड़ेगा, मैंने बेकार मिटा दिया उसको. एग्जैक्टली टू कितने होंगे? तुम लोग करो, स्क्रीन पे मत देखो, अपना करो सॉल्व. 80 60 सॉरी 100 60 इधर आ गए थे. अच्छा इधर थे 30, इधर थे 40, इधर थे 20, सेंटर में आ गए थे 10. तो 10 इधर है तो इधर 20 होगा, इधर 30 होगा, एग्जैक्टली टू में, और इधर 10 होगा, तो 60 इसका आंसर है. समझ आ गया? एग्जैक्टली टू वाला एरिया कौन सा होता है? एग्जैक्टली टू वाला एरिया होता है ये वाला, ये होता है ऑल थ्री. ये वाला जो एरिया होता है ना जो मैं रेड से घस रहा हूँ, ये होता है एग्जैक्टली टू, मतलब ये वाला एरिया जो मैं रेड रेड कर रहा हूँ ना वो होता है एग्जैक्टली टू, तो 60 आ जाएगा. समझ आ गया सबको? समझ आ गया ना? 30 थे, 10 को तीनों पसंद है तो 20, 40 थे उसमें 10 को तीनों पसंद है तो एग्जैक्टली टू वाले 30 हो जाएंगे, इधर 20 थे तो एग्जैक्टली टू वाले 10 हो जाएंगे. सबको समझ आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है. ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो वेन डायग्राम का एक बार सारा वैल्यू आ जाता है ना तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन भी निकल जाएगा. कैसे? देखो मुझे पता है एग्जैक्टली वन मतलब मुझे किसको ऐड करना है, इसको इसको और इसको. ठीक है, समझ आ रहा है? तो देखो एक तरीका है, सबको निकालो इंडिविजुअली. इधर 80 है, 20 10 30 और 10 40, तो इधर 40 है. इधर 100 है, 20 10 30 30 60, तो इधर भी 40. इधर 60 है तो 30 10 40 10 50, मतलब इधर 10 है तो 40 40 10 90 आ जाएगा. समझ आ गया? एक तरीका ये है. दूसरा तरीका है कि टोटल 160 है उसमें से तुम ये वाले घटा दो, रेड वाले 160 में से टोटल रेड वाले घटा दोगे ना तो आ जाएगा हमारा एग्जैक्टली वन वाला. तो रेड वाले एरिया में 70 लोग हैं तो 90 यहां से भी आ जाएगा. समझ आ गया? टोटल में से ये बीच वाला हटा दिया. क्लियर है सबको? ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, दो और क्वेश्चन है शायद. ठीक है ना, वेन डायग्राम सबका क्लियर हो गया? आज के बाद डाउट नहीं आएगा ना वेन डायग्राम में?
वेन डायग्राम में किसी को डाउट नहीं आएगा ना, क्लियर है सबको? कृतिका क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तगड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत, इसको बहुत ध्यान से ट्राई करो एक बार, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा समझाने में मुझे, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखना। और ये क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल वो है, मतलब समझ जाओ, ये हो गया तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। इसको ट्राई करो अच्छे से, शांति से, मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, 2 मिनट। ट्राई कर रहे हो ना तुम लोग? कॉपी पेन लेके बैठते हो ना कि ऐसे बैठते हो पॉपकॉर्न वगैरह लेके? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ट्राई कर लिया होगा। पंकज हुआ तेरा? पंकज तू क्लास में है ना? हाउ टू ज्वाइन द व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप? मैं यहाँ पे लिंक भेज के देखता हूँ एक बार, रुको। देखना एक बार, टेसा डिनी मन्नार, क्लिक हो रहा है क्या लिंक पे? अच्छा क्वेश्चन है ना, सब लोग ट्राई कर रहे हो, ठीक है, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा, दिमाग के नसें खुलेंगी तभी तो बैठेगा दिमाग के अंदर वेन डायग्राम। ट्राई कर रहे हो क्या सब लोग?
स्टार्ट करूं? अभिषेक का आंसर आया है, देखते हैं सही है कि गलत है। मैं एक बार देख के बता देता हूं। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने मुझे भी 10-15 मिनट लगेंगे समझाने के साथ, मतलब एग्जाम में नहीं, तुम्हें समझा समझा के करूंगा। बिल्कुल ध्यान से देखना स्क्रीन पे। दो मिनट और दे रहा हूं मैं, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। चलो टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो। एक चलो क्वेश्चन देख के किसी ने डिसलाइक कर दिया वीडियो या फिर हो सकता है वो सिगरेट के गैंग से हो कोई। चलो मैं बता रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं, ठीक है। चलो देखो संस्कृति तुमसे हुआ क्या? अभिषेक से हुआ है बस। अभिषेक तेरा आंसर जो है ना वो, एक बार रुक जा, आंसर तेरा सही है, गुड। अभिषेक तेरा आंसर सही है। देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, इन ए स्कूल 450 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब स्कूल में 450 बच्चे मौजूद हैं। ये समझ आ गया सबको? ठीक है। रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन द स्कूल इज 8:7, मतलब गर्ल्स कितनी होंगी 8/15 × 450, है ना, निकालना आता है ना सबको रेशियो से, 8/टोटल, तो कितना आ जाएगा, 240 तो लड़के हैं, लड़कियां हैं, और 210 तो लड़के हैं। ये क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर होगा, एक एक स्टेप से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, सारे स्टेप। ये देखो केसलेट डीआई के अंदर आ जाएगा, केसलेट डीआई जिससे बच्चे डरते हैं ना उसके अंदर आएगा। वेन डायग्राम, अब पता नहीं सर वेन डायग्राम है या नहीं है, मैंने तो इसमें डाल दिया था। 50% ऑफ गर्ल्स एंड 40% ऑफ बॉयज प्ले बास्केटबॉल, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बास्केटबॉल, तरीके से लिखोगे सब कुछ सॉल्व होगा। यहाँ बास्केटबॉल लिख दिया तो 50% ऑफ गर्ल्स मतलब 120 गर्ल्स बास्केटबॉल खेलती हैं, 40% ऑफ बॉयज मतलब 84 बॉयज बास्केटबॉल खेलते हैं, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। 30% ऑफ बॉयज एंड 30% ऑफ गर्ल्स प्ले क्रिकेट, तो यहाँ मैंने क्रिकेट लिख दिया। 30% ऑफ बॉयज मतलब 63, 30% ऑफ गर्ल्स मतलब 72, ठीक है, यहाँ भी क्लियर होगा सबको। देखो कितना अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख रखा है, 20 पर, अब फुटबॉल में भी दे रखा है, फुटबॉल में क्या है, 20% ऑफ गर्ल्स मतलब 48, ठीक है ना, एक बार चेक कर लेता हूँ, बॉयज और गर्ल्स था कि गर्ल्स और बॉयज था, ठीक है, गर्ल्स टू बॉयज था। एंड 30% ऑफ बॉयज, तो 30% ऑफ बॉयज मतलब वापस 63। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्लियर होगा मेरे हिसाब से, साथ में टाइप करते रहो, ठीक है। अब देखो आगे क्या दे रखा है, आगे क्या दे रखा है, 18 बॉयज एंड 21 गर्ल्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल अगर मैं बात करूं, क्रिकेट एंड फुटबॉल की, तो कितने बॉयज हैं, 18 बॉयज हैं और 21 गर्ल्स हैं क्रिकेट और फुटबॉल में, ठीक है। आगे देखो 15 बॉयज एंड 24 गर्ल्स, ये किसमें है, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, ठीक है। अब मुझे बास्केटबॉल और क्रिकेट का डेटा नहीं दे रखा है, और मुझे दे रखा है ऑल का डेटा मुझे दे रखा है, बॉयज का है 6 और गर्ल्स का है 9। ये डेटा जो मैंने लिखा है सबको क्लियर है, यस और नो? हरमन क्लास में हो क्या? ये जो डेटा मैंने लिखा है सबको क्लियर है, ठीक है, कितने तरीके से मैंने लिख दिया है, ये वाला डेटा गायब है, बास्केटबॉल और क्रिकेट वाला। तो तुमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, या वो भी गिवन है, एक बार चेक कर लेता हूँ, क्रिकेट बास्केटबॉल क्रिकेट फुटबॉल, अच्छा ये भी गिवन है, सॉरी सारा कुछ गिवन है, ये भी गिवन है, देखो 21-27 क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, तो 21 बॉयज 27 इधर, सारा कुछ गिवन है, क्लियर है सबको, ठीक है ना, 21 बॉयज 27 क्रिकेट एंड बास्केटबॉल। चलो अब हमसे क्या पूछा है, ओनली 3 गेम्स आर प्लेड, और कोई गेम है नहीं,
तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट डू नॉट प्ले एनी गेम. तो देखो गर्ल्स का अलग निकालेंगे और बॉयज का अलग निकालेंगे, ठीक है, गर्ल्स का अलग निकालेंगे बॉयज का अलग निकालेंगे. तो देखो 240, ठीक है, तो ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं बॉयज, पहले मैं गर्ल्स के लिए निकाल रहा हूँ फिर मैं बॉयज के लिए निकालूंगा. तो कितने लोग हैं इसके अंदर, बॉयज में कितने लोग हैं, 120 प्लस 72 प्लस 48, ठीक है, माइनस में एंड टू वाला, मतलब माइनस में ये तीनों डेटा 21 माइनस 24 माइनस 27 और प्लस में ऑल वाला डेटा, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है. और गर्ल्स के लिए भी हम लोग सिमिलरली निकाल लेंगे, सॉरी ये तो गर्ल्स का है, बॉयज के लिए भी निकाल लेंगे 84 प्लस 63 प्लस 84 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 18 प्लस 50, सॉरी प्लस नहीं यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 18. सिंपल है यार, पता नहीं क्यों नहीं हुआ तुम लोगों से, बस दो चीज दो लोगों के लिए दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग डर जाते हो देख के. अब इसको सॉल्व कर लो, ये है, ये कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग आ रहे हैं जल्दी से जोड़ो, 120 प्लस ये इसको जोड़ के 120 आता है, ठीक है, 240 हो गया, ये 240 हो गया, ये 21 और 24 होता है 45 और 27 होता है 72, ठीक है ना, 45 प्लस 27 72, तो माइनस 72 249 माइनस 72, तो इधर कितने लोग आ रहे हैं 7 और 177 लोग आ रहे हैं गर्ल्स, जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, ठीक है, और टोटल गर्ल्स 240 हैं, तो 240 में से 177 घटाएंगे तो नन वाला आएगा. मैंने बताया था नन कितने होते हैं, यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी यूनियन सी, टोटल में से, टोटल में से जो इस एरिया में है उसको घटा दोगे तो नन वाला आएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 240 माइनस 177 आएगा 23, 63 गर्ल्स हैं जिनको कुछ नहीं पसंद. उसी तरीके से बॉय निकाल लो, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 18 प्लस 15 प्लस 21 33 54 इधर आ गया, तो 63 में 54 घटेगा तो 9 आ जाएगा, तो 84 प्लस 9 होता है 93 प्लस 63 होता है 156 प्लस 6 162 आ रहा है क्या, एक बार देखना कैलकुलेशन 162 आ रहा है क्या. और टोटल बॉयज है 210, तो 210 में मैं घटाऊंगा 162 तो कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है. तो फिर 63 गर्ल्स को कुछ नहीं, किसी ने लिखा था ऊपर है ना 63 गर्ल्स, ठीक है, तो कितने लोग आ रहे हैं जिनको कुछ नहीं पसंद, वो बॉयज में है 48 और गर्ल्स में है 63, तो इसको ऐड कर दो तो 111 आएगा. कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है एक बार चेक करना, मतलब 111 लोगों को कुछ नहीं पसंद. तो परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा 45 से डिवाइड करके तो कितना आएगा, हाँ तो यही ऑप्शन आएगा सुटेबल, ठीक है, ये ऑप्शन सबको क्लियर हो गया. अभिषेक यही आया था ना तेरा, अभिषेक तेरा इतना ही आया था ना 111, अभिषेक मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना निकालना पड़े. समझ आ गया सबको, देखो ये टफ क्वेश्चन नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था, बस इसमें डेटा गर्ल्स का और बॉयज का दे रखा था, मुझे दो बार वेन डायग्राम वाला फॉर्मूला लगाना था, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला दो बार लगाना था, इसमें क्या टफ था, क्यों नहीं हुआ किसी से. समझ आ गया सबको, अच्छा क्वेश्चन था ना, अच्छा था, थोड़ा लेंदी था, उसमें दो फॉर्मूले लगाने थे बस, ठीक है. चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को पूरा मैं मिटाना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्राई करो इसको. देखो अब एक चीज फायदा कर, इसको ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ. इसमें ना वेन डायग्राम लगाना है लेकिन दो बार लगाना है और कुछ नहीं है, दो बार लगाना है. कोई बात नहीं, इसमें था इधर टोटल कितने थे, इधर टोटल थे शायद 177 थे और इधर कितने थे 210 में से 48 घटाएंगे तो 162 थे, है ना. भावेश समझ आ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स हु प्ले ओनली बास्केटबॉल. देखो ये जब मैं पीडीएफ भेजूंगा ना इसको वापस ट्राई करना, ठीक है, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा. ये है कुछ नहीं, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग डेटा दे रखा है, ओनली बास्केटबॉल, ठीक है. एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ, ओनली बास्केटबॉल,
डायग्राम से बना के थोड़ा विजुलाइज हो जाता है। मान लो ये बास्केटबॉल है, ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि क्लियर रहे, बाकी लोग ट्राई करते रहो। ठीक है, सपोज करो ये बास्केटबॉल है, ठीक है। तो बास्केटबॉल में टोटल कितने लोग थे, गर्ल्स के लिए मैं निकाल रहा हूँ, गर्ल्स के लिए, और इधर बॉयज के लिए, दोनों का मैं एक ही डायग्राम में बना लेता हूँ, ठीक है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा। गर्ल्स के लिए कितने थे बास्केटबॉल में, 120। बॉयज के लिए कितने थे, एक काम करता हूँ मैं पहले गर्ल्स का निकाल लेता हूँ, इधर कितने थे इसमें, ऑल में 9 लोग थे, ठीक है। तो बास्केटबॉल और फुटबॉल में कितने लोग होंगे, 15 लोग होंगे, है ना, 29, 24 - 5, और बास्केटबॉल क्रिकेट में 27 है, तो इधर 18 लोग होंगे, ठीक है ना। देखो 18 + 9 = 27, 15 + 9 = 24, ठीक है। तो इधर कितने लोग हो जाएंगे, 120 माइनस इन तीनों का सम, क्लियर है सबको, 120 माइनस इन तीनों का सम, 18 + 9 = 27 और 15 = 42, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 8 और 78। अब देखो 78 जो है ना 13 का मल्टीपल है, तो बॉयज का अपॉन गर्ल्स है, तो गर्ल्स 13 का मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन में 13 का मल्टीपल है, तो मैं डायरेक्टली इस पर टिक मार दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, हो सकता है उधर भी 13 का मल्टीपल आ जाए, तो मैं बॉयज का निकाल लेता हूँ। बॉयज का उसी तरीके से क्या करेंगे, देखो ये समझ आ गया होगा सबको, है ना, समझ आ गया होगा सबको, यही मैं कर रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन में तब से। अब इसी तरीके में बॉयज, ये मैंने गर्ल्स का निकाला है, ठीक है। बॉयज का देखो, बॉयज में बास्केटबॉल में 84 लोग हैं, ठीक है, ऑल में 6 लोग हैं, ठीक है, बास्केटबॉल और फुटबॉल में 15 लोग हैं, तो इधर 9 लोग आएंगे, इधर 21 लोग हैं, तो इधर 15 लोग आएंगे, तो 15 + 6 = 21 और 9 = 30, 84 में 30 घटाओगे तो आएंगे इधर 54 और अपॉन 78, देखो 6 से काटो 13, 9 / 13 आ गया, थर्ड ऑप्शन मैंने पहले चूज कर लिया था, समझ आ गया सबको, अच्छा क्वेश्चन था, समझ आ गया सबको, समझ आ गया सबको, क्लियर है ना, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो वेन डायग्राम टफ नहीं होता है, मैं 10 बार बोल चुका हूँ ऐसे लेक्चर के सुबह से, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, गर्ल्स हु प्ले बॉल ओनली क्रिकेट आर व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स हु प्ले फुटबॉल, जल्दी से करो इसको, तुम लोग ट्राई करो इसको, ठीक है, मैंने सारा वैल्यू लिख रखा है साइड में, बस वेन डायग्राम बनाना है तुम्हें, जिनको सीखना है वो लेक्चर में रहे, जो बोर हो रहे हैं, जिनको मैथ ही नहीं पसंद, जिनको नंबर नहीं चाहिए एग्जाम में, वो जा चुके हैं डिसलाइक करके। जल्दी से सॉल्व करो इसको, अभिषेक आंसर कर इसका, देखो उसी तरीके से निकालेंगे, ओनली क्रिकेट, तो क्रिकेट में गर्ल्स में कितने लोग हैं, 72, ठीक है, इधर होगा क्रिकेट एंड फुटबॉल, इधर होगा क्रिकेट एंड बास्केटबॉल,
ऑल में कितने लोग हैं गर्ल्स में? नाइन, इधर नाइन लोग हैं, ठीक है, इधर नाइन लोग हैं, ठीक है। देखो क्रिकेट एंड फुटबॉल में कितने लोग हैं? 21 लोग हैं। तो क्रिकेट एंड फुटबॉल मतलब ये पूरा एरिया, इधर 21 लोग हैं तो इधर 12 लोग होंगे, ठीक है, ओनली क्रिकेट एंड फुटबॉल में है। इधर देखो क्रिकेट एंड ये क्या है, बी से क्या है, बास्केटबॉल है, ठीक है, इसमें 27 लोग हैं तो इधर 18 लोग होंगे, समझ आ रहा है, ओनली क्रिकेट एंड बास्केटबॉल में। तो टोटल कितने लोग हो गए? 18 + 9 = 27 और 12 = 39। तो इस वाले एरिया में क्या होंगे, ओनली क्रिकेट में कितने लोग होंगे? 72 - 39 कितना आता है? 33। समझ आ गया सबको, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में कितना आएगा? हु प्ले फुटबॉल, गर्ल्स हु प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे ओनली फुटबॉल नहीं है, ठीक है, ओनली फुटबॉल नहीं है, सिर्फ फुटबॉल है, तो फुटबॉल का हमें डायरेक्टली वैल्यू पता है 48, तो सीधे 48 से डिवाइड कर दूंगा, समझ आया। यहाँ पे मुझे ओनली फुटबॉल लिखा होता तो मुझे वापस ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 11/16, ठीक है, 16 6 = 96, ठीक है, 16 6 = 96, 14 कैरी हो जाएगा, 16 8 = 128, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। समझ आ गया सबको, फर्स्ट ऑप्शन कैसे आएगा, एक सेकेंड, 16 7 = 112 होता है, तो 72% से तो छोटा आंसर होगा, अच्छा। इसमें अगर मान लो मुझे ओनली फुटबॉल भी निकालना होता, मान लो मुझे ओनली फुटबॉल होता, यहाँ पे तो सिर्फ फुटबॉल है तो डायरेक्टली 48 ले लिया, अगर ओनली फुटबॉल होता तो मैं क्या करता, वापस मैं सिखा देता हूँ, वापस देख लो, ओनली फुटबॉल होता तो क्या करता, फुटबॉल में गर्ल्स में कितने लोग हैं? 48, उसमें से ऑल में कितने लोग हैं? फुटबॉल और क्रिकेट होगा इधर, फुटबॉल और बास्केटबॉल होगा, तो ऑल में 9 लोग हैं, फुटबॉल और क्रिकेट में लोग हैं 21, तो इधर 12 लोग होंगे, फुटबॉल और बास्केटबॉल में 24 है तो इधर 15 लोग होंगे, 15 + 9 = 24 = 36, तो इधर 12 लोग हैं ओनली फुटबॉल में, ऐसे करके निकालते हैं, समझ आ रहा है सबको, समझ आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, संस्कृति समझ आया, तुम्हारा आंसर गलत है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से तुम्हारा वेन डायग्राम क्लियर हो जाए, तो कभी भी लाइफ में वेन डायग्राम आएगा तो तुम करेंगे, ठीक ना, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन मिक्स कर दिए थे इसमें, ठीक है। ऑनलाइन क्लास में यही फायदा होता है ना, जब मन चले जाओ जब मन आ जाओ, मैं धांसु सर की तरह चिल्लाऊं क्या? हेलो, अरे सारा डेटा मिट गया, एक सेकंड, सारा डेटा मिट गया यार। एक काम करोगे तुम लोग, इसको खुद से ट्राई करोगे क्या? खुद से ट्राई करोगे दो क्वेश्चन जब मैं पीडीएफ भेजूंगा, है ना, मेरा सारा डेटा मिट चुका, सिखा दिया कैसे करना है, इसको ट्राई करना खुद से, ठीक है, ठीक है ना। मैं दूसरा लास्ट क्वेश्चन ले आता हूँ स्क्रीन पे, मैंने समझा दिया कैसे करेंगे,
बाकी दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, यस और नो? ठीक है, इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है ना? मैं सारा डेट मैं दोबारा लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इसको दोबारा खुद से ट्राई करना। वैसे भी पूरा क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है तुम्हें ये वाला, ठीक है? ये क्वेश्चन दोबारा फिर से पूरा ट्राई करना। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन ट्राई करो। तो मैंने लुंगी का बैकग्राउंड में पीडीएफ में व्हाट्सएप टेलीग्राम दोनों जगह भेजता हूँ। स्मिता पीडीएफ भेजूंगा, जी भर के देख लेना क्वेश्चन को, पीडीएफ भेज दूंगा मैं। अभी ये लुंगी प्रिंट वाला क्वेश्चन कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है? आज बहुत कुछ सीखा कि नहीं सीखा? आज के बाद वेन डायग्राम में डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? बिग ब्रदर तुम्हारा नाम क्या है? कभी तुमसे पूछा था मैंने, पता नहीं, मैंने नाम पढ़ा नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बता देना एक बार। अंशु कुमारी ने तो ज्वाला बना दिया। वीडियो वीडियो लाइक कर देना सब लोग, जितने लोग करो। शेयर तो करते नहीं हो, चलो। किसी का सॉल्व हुआ क्या? बड़े भाई साहब, बिग ब्रदर, तुम्हारा ही तो फेक अकाउंट नहीं है संस्कृति? चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है? In a survey, 100% it was found that 28 read magazines. 100 लोगों का सर्वे था, ठीक है? 100 लोगों का सर्वे था, उसमें से 28 लोग मैगजीन पढ़ते हैं, अच्छा मैगजीन ए, मैगजीन बी और मैगजीन सी। कैसा टेढ़ा मेढ़ा बना है। ये सही है, ठीक है? ये मैगजीन ए है, मैगजीन ए, मैगजीन बी, मैगजीन सी, ठीक है? 28 इधर है, 30 इधर है, 42 इधर है, 8, अच्छा ठीक है, 8 रेड मैगजीन ए एंड बी, तो 8 लोग इधर हैं। 8 लोग मतलब इसमें भी हैं और ऑल भी हो सकता है, ठीक है ना? मैगजीन ए एंड बी मतलब ये पूरा एरिया, ए एंड बी ओनली मतलब सिर्फ ये वाला एरिया, ये क्लियर रखो कंसेप्ट, ठीक है? इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ए एंड बी मतलब कुछ भी हो सकता है, ए एंड बी भी हो सकता है, मतलब ए एंड बी मतलब ए बी और ए बी और सी दोनों हो सकता है। ए एंड बी ओनली लिखा है तो सिर्फ ए एंड बी होगा। 10 रीड ए एंड सी, तो 10 लोग इधर हैं, 5 इधर हैं, ठीक है? एंड 3 ऑल द, 3 इधर हैं। देखो 3 इधर हैं, 8 इस पूरे एरिया में, तो 5 इधर होंगे, 3 इधर है तो 7 इधर होंगे, 2 इधर होंगे, समझ आ रहा है? तुमसे पूछा हाउ मेनी रीड नन ऑफ द 3 मैगजीन, नन ऑफ द 3 के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है? ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लो, तो ए प्लस बी प्लस, मतलब डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना? ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा था, डायरेक्टली फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, डायग्राम बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब 28 प्लस 30 प्लस 42 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 5 प्लस 3, कितना आएगा ये? 670, 100, 103 माइनस 23, मतलब 80 लोग आ रहे हैं ना, 80 लोग इस एरिया में है तो बाहर 20 लोग हैं, समझ आ गया? अच्छा ठीक है, आ गया, सिंपल है।
अच्छा मैं क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, मान लो कि यहाँ पे गिवन होता कि ए एंड बी ओनली, यहाँ भी ए एंड सी ओनली और यहाँ भी बी एंड सी ओनली, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर पाते क्या? यस और नो, ये फॉर्मूला मैं यूज कर पाऊंगा क्या अगर यहाँ पे क्वेश्चन में ओनली 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 दे रखा है? तब बताओ मुझे, तब मुझे कैसे करना पड़ेगा? क्वेश्चन में मैंने हल्का सा चेंज किया इसी में, अगर मेरे क्वेश्चन में है इन अ सर्वे 100% इट वॉज फाउंड दैट 28 रीड मैगजीन ए, 30 बी, 42 सी, 8 ए एंड बी ओनली, ठीक है, क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया है। थैंक यू अंशु, डब्बे में क्यों छुपी हो? कोई नहीं गूंजा मैं ये समझा, क्वेश्चन में चेंज क्या समझ आ गया सबको? मैंने ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली कर दिया है, ठीक है। अभी आंसर हम कैसे निकालेंगे और आंसर क्या होगा? छब्बीस कैसे आएगा? देखो अगर मैं ओनली कर देता हूं तो चेंज क्या आता है, मैं समझाता हूं। देखो उसके लिए मैं पूरा डायग्राम मिटा रहा हूं, ठीक है। अगर ओनली 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 होता, मतलब मैंने क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, क्वेश्चन मैंने क्या चेंज किया, हल्का सा मैंने चेंज किया है, यहाँ पे ओनली है, ए एंड बी ओनली, यहाँ भी ओनली है, यहाँ भी ओनली है। अगर ओनली ओनली होता है ना तो ए इंटरसेक्शन बी ये नहीं होता है, ए इंटरसेक्शन बी में ये पूरा एरिया आता है, ठीक है। ओनली मतलब कौन सा एरिया होता है, ऑल वाला हटा के सिर्फ ये एरिया होता है। तो तब हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, तब हमें डायग्राम से करना पड़ेगा। मैंने यहीं पे क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया है, समझ आ रहा है क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन? सबको समझ आ रहा है? रिप्लाई करना यस मॉड करके रिप्लाई करना, क्योंकि मुझे यस यस समझ नहीं आता। मॉडिफिकेशन समझ आ रहा है क्वेश्चन का, मैंने क्या चेंज किया है क्वेश्चन में, समझ आ रहा है ना? अगर ए एंड बी लिखा है, बी एंड सी लिखा है, ए एंड सी लिखा है, तब तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लूंगा ए इंटरसेक्शन बी का। लेकिन अगर ए एंड बी ओनली लिखा है तब ये फॉर्मूले में मैं वैल्यू डायरेक्टली नहीं डाल सकता हूँ, वो अलग चीज होती है। ए एंड बी मतलब क्या होता है, ए एंड बी मतलब होता है ये पूरा एरिया, ए एंड बी ओनली मतलब क्या होता है, सिर्फ ये वाला एरिया। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला उस केस में नहीं लगा सकते हैं, समझ आ रहा है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब हम कैसे करते हैं, देखो कुछ नहीं होगा, डायग्राम से करेंगे हम, ठीक है, डायग्राम से करते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है 28, टोटल 100 है, यहाँ दे रखा है 30, यहाँ दे रखा है 42। ओनली मतलब 8 लोग इस एरिया में है, ओनली मतलब 10 लोग इस एरिया में है, और ओनली मतलब 5 लोग इस एरिया में है और 3 लोग इस एरिया में है। समझ आ रहा है सबको ओनली का फर्क क्या पड़ा? ठीक है, समझ आ गया होगा। तो हम निकाल लेंगे इधर कितने लोग है, देखो 28 इधर है, 28 माइनस 8 प्लस 5 13 3 16, तो 12 लोग इधर होंगे, इधर 8 3 10 3 13, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, दिमाग मेरा थोड़ा रुक जाता है लाइव क्लास। 8 प्लस 3 इज 11, 5 16 इसमें घटा, 8 प्लस 3 11 प्लस 10 21, तो इधर 9 लोग आएंगे, 5 3 8 18, तो इधर 24 लोग आएंगे। तो सारे लोग गिन लो, हमें टोटल लोग निकालने हैं ना, तो इन सारों को गिन लो, सबको गिन लो, इंडिविजुअल एरिया के लोगों को गिन लो। तो 12 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3 प्लस इधर कितने थे, 3 इधर कितने थे, मैं भूल गया, ये क्या था, 10 था इधर, ठीक है, ये 10 था, प्लस 10 प्लस 24, तो इन सबको इंडिविजुअल एरियाज को मैंने जोड़ लिया, समझ आया क्या? कितने लोग आ रहे हैं, 20 9 29 5 34 3 37 10 47 21 71 लोग आ रहे हैं, सबको समझ आया क्या? 71 लोग आ रहे हैं, तो 29 होगा इस केस में आंसर। सबको समझ आया, अच्छा लगा ये क्वेश्चन? देखो मॉडिफिकेशन मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया था कि तब क्या करेंगे, तब डायरेक्टली मैं ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूँ, तब मुझे एक एक करके जोड़ना पड़ेगा और उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है ना। ठीक है, समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? 71 इसका आंसर है, सॉरी 71 तो इसमें है, तो बाहर 71 तो इस वेन डायग्राम के अंदर है, बाहर 29 लोग होंगे, टोटल 100 लोग। सबको क्लियर हो गया वेन डायग्राम में जितनी भी चीजें होती हैं, आज के बाद गलत मत करना। हेलो वेदांगश्री, क्लास खत्म होने के बाद आए हो तुम, बिल्कुल, तो बैक जाके पूरा वीडियो देख सकते हो। आज सारा वेन डायग्राम क्लियर हो गया ना सबको?
एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है जो मैंने अभी कराया था, अब वो मैं एक्चुअली मैंने पहले बताया मैं क्वेश्चन करके नहीं आता हूँ, मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ पीडीएफ और मैं आ जाता हूँ लाइव, ठीक है? तो वो क्वेश्चन मुझे एक बार वेरीफाई करना होगा। बाकी सब कुछ क्लियर है ना सबका? सर आप इतना जल्दी कैसे जोड़ सकते हैं? हाँ जोड़ लेते हैं बस, अब क्या करें। टैलेंट है भाई, टैलेंट। जोड़, जब मैं कॉलेज में था ना, तो कॉलेज में जब था तो मैं मेरे बहुत 8 लोग थे ग्रुप में, तो उसी टाइम से थोड़ा हम लोग जोड़ना शुरू कर दिए थे हिसाब वगैरह। जो हम लोग जब ट्रेन में घूमने जाते थे तो हम 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्राई करते थे। थ्री डिजिट मल्टीप्लिकेशन मतलब, जैसे मैंने, मेरा दोस्त था माउंट आबू का दोस्त था वो, तो जैसे हम IIT से जब दिल्ली जाते थे खेलने के लिए, जैसे मैं 283 × 327 ऐसे रैंडम क्वेश्चन हम एक दूसरे से पूछते थे, ठीक है? फिर हम मन में निकालते थे ये आंसर हो सकता है 21। कैसे आंसर हो सकता है 21 जी? ये कुछ वो थोड़ी है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, मैथ में एक ही आंसर होता है, यही होगा, ठीक है? तो हम ये मल्टीप्लिकेशन हम करते थे मन में, फिर धीरे धीरे करके इसको करने में 10 मिनट लगता था, बिल्कुल दिमाग, अगर ट्रेन में कोई और आ जाता था ना चना बेचने चाय बेचने तो डिस्टर्ब हो जाता था, तो इसको बहुत देर तक सोचते थे, मतलब दिमाग पे जोर डालते थे, धीरे धीरे करके बढ़ाए कैलकुलेशन स्पीड। अब तो ये टाइम लगता है इसको करने में, पहले तो बहुत जल्दी हो जाता था, ठीक है? चलो क्लास हो गया। हाँ कांशा वीडियो अवेलेबल हो गया, थैंक यू आने के लिए, और वीडियो का स्पेलिंग भी थैंक यू उसके लिए, ठीक है? सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? और कुछ किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर जाओ। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ टॉपिक पूछना है, मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है? PDF में भेजूंगा तुम्हें टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, ठीक है? थैंक यू अदिति। ये अंशु कौन है? मैं तो, चलो ठीक है, बाय बाय भावेश, बाय अंशु, बाय कृतिका। कृतिका तुम्हारी स्पीड थोड़ी तो इम्प्रूव हुई क्या? परसों क्या पढ़ाऊंगा? परसों में पढ़ाऊंगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगा मैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, गुड नाइट।